हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले IUI करवाया, जिससे मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई जो कि कंटिन्यू नहीं की गई। फिर मैंने IVF करवाया, जिससे मुझे ट्विन्स प्रेगनेंसी हुई और मेरे दो बेटे हैं। जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रीटमेंट का, वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पर आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। सबसे पहले तो बहुत 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 थैंक यू। हमारी फैमिली 10K होने वाली है। मुझे लगता है कि जब आप वीडियो देखोगे तब तक 10,000 की फैमिली हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, यानी कि 10,000 मेरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे। बीच में मैंने काम नहीं किया, जिसकी वजह से लगता है कि थोड़ा रुक गया था। बहुत 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 दिल से थैंक यू सबको। वीडियो होने वाली है 3rd महीने पे, तो अब आपका 3rd महीना स्टार्ट हो चुका है। पहले हमने 2 महीने की वीडियो बना चुके हैं कि आपका कैसा होगा, तो 3rd महीना यानी कि आपका 9वां हफ्ता स्टार्ट हो चुका है। 9 से लेकर 12 हफ्ते तक आपका 3rd महीना कंप्लीट होगा। तो इस महीने में क्या क्या चेंजेस आएंगे आपकी बॉडी में, बच्चे में क्या क्या चेंजेस आएंगे, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और इस महीने में बहुत ज़रूरी आपका एक टेस्ट किया जाता है, जो कि सबको करवाना चाहिए। इसलिए मैं स्पेशल आपको बोलूँगी कि ये वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखनी है। तो अब आपका 9वां वीक शुरू हो गया है। 9th वीक आप स्टार्ट कर चुके हैं। इस टाइम पर आपकी वॉमिटिंग थोड़ी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, जो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, कुछ लड़कियों को होती है कि बिल्कुल भी, मतलब जो भी खाती हैं सब बाहर निकल जाता है, वो कम हो जाएगा। लेकिन हाँ, अभी आपको थकान रहेगी। और इस टाइम तक अगर आपके IVF के इंजेक्शंस लग रहे हैं, तो इस महीने तक इंजेक्शन थोड़े मतलब कम कर दिए जाते हैं, या तो फिर बिल्कुल बंद कर दिए जाते हैं या फिर कम कर दिए जाते हैं। तो ये मतलब मेन चीज़ आपके साथ हो सकती है, आपके IVF के इंजेक्शन बंद हो जाएंगे और आपके जो है आपको वॉमिटिंग्स भी कम हो जाएंगी। थकान आपको रहेगी, ऑब्वियसली प्रेगनेंसी है, और जिनकी ट्विन प्रेगनेंसी है तो उनके थोड़े सिम्टम्स हाई होते हैं, सिंगल प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग थोड़े हाई होते हैं, तो उनको थोड़ी दिक्कत अलग से होती है। जिनकी है ट्विन प्रेगनेंसी, वो मेरा चैनल अच्छे से देख सकते हैं। मेरी ट्विन प्रेगनेंसी के ऊपर ही मेरी पूरी वीडियोज़ हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे आपको एक डॉक्टर पहले ही लिख देगा, एक स्कैन होती है, एंटी स्कैन जिसे बोलते हैं, वो आपको कराने के लिए बोली जाती है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, आपको करवानी ही चाहिए। अगर आप वैसे ही प्रेगनेंट, मतलब आप नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट हो, फिर भी अगर आप डॉक्टर आपको बोल रहे हैं, अगर आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री है, अब मैं बोल मतलब अगर आप जैसे वो होते हैं ना, नॉर्मल लैंग्वेज में बात करती हूँ, जैसे बच्चे की किसी की गर्दन झुकी हुई होती है, ये नहीं बनती है, ये वाली जो हड्डी होती है ना पीछे वाली, वो अगर नहीं बनती है, कुछ बच्चे होते हैं ना थोड़े नॉर्मल होते हैं, जैसे पहले लोग नहीं करवाते थे या इतनी नॉलेज नहीं होती थी, तो उन बच्चों को डॉक्टर्स आजकल जो मतलब हमारा लॉ है, तो उनको अबॉर्ट कर दिया जाता है। जैसे कि डॉक्टर जो हमारा लॉ है, वो मतलब हमें अलाउ करता है कि आप इस बच्चे को मतलब आप अपना करवा सकते हो, अबॉर्शन करवा सकते हो। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ये एंटी स्कैन, आपको ज़रूर करवानी चाहिए। नाक की हड्डी बच्चे की देखी जाती है कि वो बनी है या नहीं, क्योंकि प्रॉपर सब कुछ देखा जाता है उसमें, देखा जाता है। अगर आप देखोगे, आप डॉक्टर से बोलोगे कि हमें दिखाओ, जब आप एंटी स्कैन के लिए जाओगे, तो डॉक्टर आपको पूरा बच्चा आपको दिखा सकता है। वो बच्चा आपका 3-4 इंच का बच्चा बन चुका होता है, 3-4 इंच आपको पता ही है कितने होते हैं, तो उतना बच्चा आपको बन चुका होता है। उसकी प्रॉपर आइज़ दिख रही होती हैं, उसके कान छोटे छोटे दिखने शुरू हो जाते हैं, उनका ऊपर नीचे के दोनों, मतलब इस साइड का इस साइड का, पूरे हाथ वाथ स्किन हल्की हल्की आनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब हाथ पूरे बनने शुरू हो जाते हैं, पैर, मतलब हर बॉडी का हर पार्ट बन जाता है। यहाँ तक कि इस टाइम पे बच्चे का सेक्स भी बन जाता है, वो लड़का है या लड़की है ये भी बन जाता है। लड़की है तो उसकी इंटरनल ओवरीज बननी स्टार्ट हो जाती हैं, लड़कियाँ हैं तो टेस्टिस बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सारी चीज़ें डॉक्टर इस टाइम पे एंटी स्कैन में देख लेते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इस स्कैन के लिए अगर आप चाहते हो, तो मैं एक प्रॉपर से वीडियो बना दूँगी कि आपको क्या क्या होता है, इसका एक्सपीरियंस भी मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो ये आपको 9वें हफ्ते से लेके अगर मैं कुछ ऐसे बोल गई, दो बार मैंने 9वां महीना बोल दिया, लेकिन मैं बात 3rd महीने की कर रही हूँ, 9वें हफ्ते की बात कर रही हूँ। और इस जब आपका जो बच्चा है वो आगे से अंदर से और भी बड़ा होना स्टार्ट हो चुका है, इस टाइम पे जो पतली लड़कियाँ हैं उनको तो इतना नहीं उनका पेट बाहर निकलता, लेकिन जो मेरी जैसी थोड़ी सी
जिनका वेट थोड़ा ज़्यादा है तो उनका पेट निकलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मेरा पेट बिल्कुल नहीं निकला था, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मुझसे बिल्कुल खाया पिया नहीं जाता था। तो 5 महीने तक तो पता ही नहीं चलता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं, सच में आपको बता रही हूँ, बिल्कुल भी, क्योंकि थोड़ा सा पेट तो मेरा पहले से ही है तो पता नहीं चलता था, क्योंकि मेरा कुछ अंदर मेरे से खाया नहीं जा रहा था, मेरा वेट बढ़ने की बजाय कम हो गया था। तो अब आपके जो सिम्टम्स हैं वो हाई होने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे आपका खट्टा खाने का मन कर रहा है, या आपका मीठा खाने का मन कर रहा है, या आपकी ये कुछ अटपटी अजीब सी चीज़ खाने का मन कर रहा है, तो इस टाइम पे आपके सिम्टम्स काफ़ी हाई हो जाएंगे, वॉमिटिंग्स कम हो जाएंगी लेकिन सिम्टम्स हाई हो जाएंगे, ठीक है? तो मतलब बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, आपको पता लग जाता है इस टाइम पे आके कि हाँ अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, आपको फील होना स्टार्ट हो जाता है, कभी आपको स्मेल आएगी किसी चीज़ से, कोई आटे से स्मेल आती है कई बार हमें पराठे से स्मेल आती है, घी से स्मेल आती है, वो तो चलो नॉर्मल सबको आती है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ों से भी हमें दिक्कत होती है कि अगर घर में फुलके बन रहे होते हैं, रोटी बन रही होती है, तो उसकी ही इतनी गंदी स्मेल लगती है कि लगता है कि वहाँ से भाग जाऊँ। कई बार ऐसा होता है वॉमिटिंग नहीं आएगी, लेकिन ऐसा मतलब फील ऐसा होता है कि यहाँ तक आ गया जो भी खाया पिया था और एकदम से बाहर निकल जाएगा। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ इस टाइम पे हो सकती हैं, और इस टाइम पे अब आप अपने रिश्तेदारों को भी बता सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो, क्योंकि हमारे इंडिया में ये थोड़ा सा वहम सभी घर में करते ही हैं कि 3 महीने तक ज़्यादा बात नहीं करनी है, किसी को बताना नहीं है। लेकिन आप जब आपका 3रा महीना स्टार्ट हो गया है, तीसरा साढ़े मतलब 3.5 या तीसरा हो चुका है, तो आप सबको बता सकते हो, गुड न्यूज़ दे सकते हो सब। तो अगर आप इंडिया में ना रह कर कहीं बाहर की कंट्री में रह रहे हो तो आपको इस टाइम पर ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि वहाँ तो बता ही देते हैं, आप पूछते तो बता देते हैं कि आपके लड़का है या लड़की है, या फिर ट्वेंस में आपके दो लड़के हैं, ऐसा आपको इस टाइम पे पता चल जाएगा। ये 3रा महीना और ये स्कैन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर करवानी है। तो ये होता है 3रा महीना, अगर आप भी प्रेग्नेंट हो या फिर आप IVF करवा रहे हो या फिर प्रेगनेंसी सोच रहे हो, तो आई होप, मुझे लगता है कि मेरी वीडियो ने आपकी ज़रूर हेल्प की होगी। हेल्प की है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलती हूँ आपको अपने अगली वीडियो में। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे देखना चाहते हो, बच्चों को देखना चाहते हो, तो मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है प्रिया सेज 3। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।